नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी के विषय में महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूपी एनएचएम के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है आखिरकार वो कब तक शुरू की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को नियुक्ति पत्र कब तक दे दिया जाएगा और क्या खुद के ज़िले में तैनाती होगी या नहीं। और उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहते हैं कि साथ ही साथ यूपी में एएनएम की जो वैकेंसी है वो उसका विज्ञापन कब तक निकाला जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी का इस बार रिजल्ट काफ़ी देरी से आया है तो नियुक्ति पत्र कब तक दे दिया जाएगा। तो उन छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि आयोग के माध्यम से यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसका कार्य पूरा किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी वो आयोग के माध्यम से नोटिस जारी करके सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले आयोग एक टीम का गठन करेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी उसमें आप आयोग के माध्यम से एक टीम निर्धारित की जाएगी, उसी टीम के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का संपूर्ण सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों आयोग के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है वो दो माध्यम से होता है। पहला माध्यम होता है ऑफलाइन तरीके से और दूसरा माध्यम होता है ऑनलाइन तरीके से। ऑफलाइन तरीके में आपके उन सभी डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाता है, जैसे आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गई, इन सभी प्रमाण पत्रों को आयोग के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन आयोग के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट का सत्यापन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, जैसे आपके मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया और आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट को का जो सत्यापन होगा वो आयोग की टीम करेगी और आपकी जो मार्कशीट है उसका सत्यापन आयोग की टीम के द्वारा यूनिवर्सिटी भेजकर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में अगर आपके डॉक्यूमेंट का मिलान सही पाया जाएगा तभी आपको डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर भी किया जाएगा। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो आपको अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके ले जाना होगा। आप अपने वही डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं जो आपके वैलिड हों और अनवैलिड डॉक्यूमेंट को आपको नहीं लेकर जाना है। तो जैसे आपका आवेदन का प्रारूप है इसकी आपको कम से कम 2 से 3 कॉपी करवाकर अभी से सुरक्षित रख लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट का मिलान होगा वो आपके आवेदन के प्रारूप का ही मिलान होगा, उसके बाद आपके ने आवेदन करते समय जिस मार्कशीट का उपयोग किया है उस मार्कशीट का मिलान होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट की मार्कशीट में नाम किसी भी प्रकार में का कोई त्रुटि है तो उसको संशोधन करवा लीजिए, क्योंकि अगर त्रुटि पाई गई तो आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसका कार्य रद्द कर दिया जाएगा और आपको बाहर भी किया जा सकता है। दोस्तों इस तरीके से आयोग की टीम आपके संपूर्ण डॉक्यूमेंट का मिलान करेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद आयोग की टीम
आपके नियुक्ति पत्र का सत्यापन करेगी और किन किन छात्रों को नियुक्ति पत्र का वितरण आयोग के माध्यम से करना है और किन छात्रों का नियुक्ति पत्र का वितरण डिस्ट्रिक्ट लेवल के माध्यम से करना है इसका सब संपूर्ण कार्य आयोग की टीम करेगी और आयोग की टीम के द्वारा आपका नियुक्ति पत्र का जो कार्य है वो जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों जो छात्र यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के संबंध में डेट पूछ रहे हैं उन छात्रों को बताना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का जो फर्स्ट राउंड शुरू किया जाएगा वो हो सकता है 18 दिसंबर से 25 दिसंबर के मध्य ये फर्स्ट राउंड शुरू किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो दो शिफ्ट में की जाएगी, प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट। यानी प्रथम शिफ्ट में लगभग 50% छात्रों का डॉक्यूमेंट मिलान किया जाएगा, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में भी 50% छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मिलान किया जाएगा। इस तरीके से आयोग की टीम के द्वारा जो डॉक्यूमेंट के सत्यापन का कार्य है वो 18 से लगभग 25 तारीख को ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से घोषित करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में सूचित किया जाएगा और साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट का मिलान है वो आपको कहां पर उपस्थित होना होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, ये सब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियल अपडेट जारी की जाएगी तो उस नोटिस में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको हमने जो जो डॉक्यूमेंट बताया है उस संपूर्ण डॉक्यूमेंट को अभी से इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद आप अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो EWS कैटेगरी के हैं और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करवाते समय अगर उनकी एक्सपायर्ड EWS का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो एक बार फिर से बनवा लीजिए और बनवा के उसको सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आयोग के माध्यम से आपका EWS सर्टिफिकेट नया भी मांगा जाए तो आप नया दिखा सकते हैं, अगर आपका पुराना ही लगेगा तो आप पुराना दिखा सकते हैं। तो इन दो तरीके के माध्यम से आप अपना EWS सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर अपना कंप्लीट करवाएं। दोस्तों कुछ छात्र ये लगातार पूछ रहे हैं कि उन किन किन छात्रों को जिले में तैनाती होगी और किन किन छात्रों की जो तैनाती होगी वो बाहर होगी। तो हम बताना चाहते हैं केवल वो वही छात्रों की जिले में तैनाती होगी जो विकलांग है, यानी जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या स्वतंत्रता सेनानी वाले अभ्यर्थी हैं इन छात्रों को जिले वाइज तैनाती होगी और बाकी अन्य सभी अभ्यर्थियों की जो तैनाती होगी वो अन्य ज़िले में होगी। अगर आपकी तैनाती मान लो अन्य ज़िले में हो गई और आप पोस्टिंग के जरिए अपनी तैनाती चेंज करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने तक उस पद पर कार्य करना होगा। जैसे ही आपको 3 महीने का कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको एक लेटर लिखना होगा, ये लेटर CMO को जाएगा और CMO के माध्यम से ये डिसीजन लिया जाएगा कि आप की जो तैनाती है वो पोस्टिंग है उसको बदला जाए या नहीं। तो इस तरीके के माध्यम से आप अपनी तैनाती भी बदलवा सकते हैं और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी यूपी में NM की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए हम बताना चाहते हैं कि CM योगी के द्वारा साफ निर्देश जारी किया गया है कि हम 2024 में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसी भरने जा रहे हैं और इन वैकेंसी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी और जो छात्र स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर 1,00,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया का जो आवेदन है अगर वो 2024 में जारी किया जाएगा तो हो सकता है जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों अभी से आप लोग अपनी अपनी संपूर्ण तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आयोग के माध्यम से किसी भी तारीख को यूपी में ANM के साथ साथ अन्य वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन है अर्थात फार्मासिस्ट हो गया, एक्सरे लैब टेक्नीशियन और जो ड्राइवर के पद हैं इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की जो डेट है वो हो सकता है आयोग के माध्यम से 2024 को रखा गया है, क्योंकि 2024 में ही
स्वास्थ्य विभाग में ये बम्पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।